अगर गाइस आप भी Realme GT Neo 3D को गेमिंग के लिए बाई करना चाहते हो तो ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे ये वीडियो में आज हम करने वाले हैं Realme GT Neo 3D का फुल गेमिंग टेस्ट, और गाइस देखेंगे कितना परसेंट बैटरी खाता है। और गाइस यहाँ पे Realme का फ़ोन में एक दिक्कत आता है जो कि नेटवर्क का, कहीं कहीं जगह पर होता है कि नेटवर्क नहीं मिलता है फ़ोन में, भी नेटवर्क कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्लो मिलता है। सो गाइस यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे और यहाँ पे गेम खेल के देखेंगे रियल टाइम। तो ये फ़ोन अभी के टाइम पर आप लोगों को सेकेंड हैंड 20,000 में देखने को मिल जाएगा। तो अभी के टाइम पे यार फर्स्ट हैंड तो कोई बाई करना चाहिए फिर नहीं, मुझे पता नहीं 32,000 से ही फिर सेकेंड हैंड यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 20,000 से आसपास देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये फोन आप लोग इसी प्राइस में बाई करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए वही बताने वाले। और कोई भी अगर 20,000 से कोई भी गेमिंग फोन वगैरह बाई करने का सोच रहे हो और हो सकता है ये वीडियो को देखने के बाद आपका डिसीजन चेंज हो जाए, इसलिए बोलते हो वीडियो को पूरा देखना। सो गाइस जब बात करते हैं फोन का, देख सकते हो मैंने फुल अपडेट किया है फोन का और एंड्रॉयड 13 पर रन कर रहा है और Realme UI यहाँ पे देख सकते हो 3.0 पर रन कर रहे हैं। स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 8,12,000 एंटीटू स्कोर देखने को मिलता है। तो एंटीटू स्कोर को छोड़ते हैं, अभी देखते हैं रियल टाइम परफॉर्मेंस कैसे देता है और गेमिंग कैसे चलता है। तो चलो तो यहाँ पे गाइस आ चुके हैं हम लोग BGMI और सेटिंग पे जाके दिखा देते हैं ग्राफिक्स में कितना तक सपोर्ट करता है गेम को। सो अभी स्मूथ और एक्सट्रीम पर और HDR एक्सट्रीम तक चलता है और 90 FPS अभी तक अवेलेबल नहीं है, मुझे लगता नहीं गाइस आएगा भी बाद में, पता नहीं गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो तो लॉबी पर भी हम लोग कर देते हैं स्मूथ एक्सट्रीम और यहाँ पे अभी हम लॉबी में थोड़ा सी यार HDR में कैसा लगता है दिखने में। सो चलो यार यहाँ पे कर दिया। और गाइस अभी हम लोग करने वाले इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेमिंग टेस्ट और देखेंगे इतना ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता है। तो मैंने सुना था कि GT Neo 2 में थोड़ा सा बैटरी ड्रेन इशू वगैरह आ रहे हैं, तो गाइस TDM खेलेंगे, HDR और एक्सट्रीम पर भी खेलेंगे, स्मूथ एक्सट्रीम पर भी खेलेंगे और गाइस देखेंगे कितना ज़्यादा चार्ज कंज्यूम करता है फ़ोन और बैटरी बैकअप कैसा देता है और फोन में परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है अभी के टाइम पे। 6 साल हो चुका है, 6 महीना हो चुका है 6 महीने से गेमिंग कर रहा हूँ। सो गाइस चलिए यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते हैं। और भाई भैया जो भी हो बताओ यार, क्या बोर लग रहा है अभी, बोरिंग हो रहे हो? तो गाइस एक काम देता हूँ, तो गाइस देखना यहाँ पे कि फ्रेम ड्रॉप वगैरह कभी भी देखने को मिल रहा है ये फिर नहीं, और भाई 100 टचेस करके खेल रहे हो यहाँ पे, फ्रेम ड्रॉप वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं अगर 100 टचेस करके खेलता हूँ तो। गाइस आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना, अगर फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिल रहा है तो भी कमेंट पर बताना। और गाइस और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक चीज़ नोटिस करना कि वीडियो क्वालिटी कैसा दे रहा है। तो गाइस आप लोग अगर चैनल वगैरह ओपन कर दो बाद में, अभी सोचो चैनल वगैरह ओपन नहीं करेंगे, बाद में अगर दिमाग घूम जाता है आप लोग सोचते हो यूट्यूब चैनल बनाएंगे, तो किसमें क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है आप लोग अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए वीडियो। सो गाइस यहाँ पे देखना आप लोग क्वालिटी कैसा दे रहा है, 480p पर आप लोग चालू करके देखना, 360p पर क्वालिटी कैसा दे रहा है आप लोग मुझे कमेंट पर बताना। ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये किया गया है Realme GT Neo 2 से, और कैसे भाई लोग गेम प्ले देखो कि लैग वगैरह होता है फिर नहीं। अभी तो गाइस हमने बस स्मूथ और एक्सट्रीम पर खेल के देखे और अभी गाइस हम लोग करने वाले HDR और एक्सट्रीम पर स्टार्ट हो गए। जैसे कि आप लोग एक तो फॉलो आप लोग करो यार और बताओ मुझे कमेंट पर क्या देखने को मिला है, फ्रेम ड्रॉप वगैरह फिर नहीं। Marked a location. Watch out! तो गाइस अभी तक मेरे को कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिला, इतने देर तक गेम चलाया मैंने और गाइस यहाँ पे लगभग हमने यार 10 से 15 मिनट गेम को खेल लिया है और 2 TDM पे होने वाला है दोनों के एक साथ जोड़ दिया मैंने। एक मैच को मैंने क्लासिक मतलब सिंपली स्मूथ और एक्सट्रीम पर खेला और दूसरे मैच को मैंने HDR और एक्सट्रीम पर खेला है। सो गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा देखने को मिल रहा है, जायरोस्कोप डिले वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे Realme का X1 Max में और Realme का और जो फोन में MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलता है,
वो फ़ोन में हम लोग अभी बार जायरोस्कोप डिले भी देखने को मिला है, जो कि ये फ़ोन में देखने को नहीं मिला है। सो गाइस यहाँ पे फ़ोन का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा औसम है, और मेरे को यार पता था स्नैपड्रैगन 870 अगर लगा होगा, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर अगर लगा होगा, तो गाइस क्या ही प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे फ़ोन में। तो गाइस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके साथ गाइस चार्जिंग का अगर बात करें, तो गाइस यहाँ पे फ़ोन में जब मैंने चार्ज लगाया था, मतलब गेम खेलना स्टार्ट किया था, तो गाइस यहाँ पे 10:50 था, 57 हो चुका है। तो गाइस 7 मिनट में यहाँ पे 4% चार्ज खाया है, और यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ HDR और एक्सट्रीम पर गेम खेला है, इसीलिए 4% चार्ज यहाँ पे डाउन हुआ है। तो अगर देखा जाए तो गाइस थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे चार्ज मतलब कंज्यूम किया डिवाइस में, तो उतना भी ज़्यादा नहीं यार, तो चल जाएगा। तो भी रिकॉर्ड वगैरह के हैं, फिर भी यार चार्जिंग और भी अच्छा देना चाहिए था। तो रियलमी के X7 Max में भी मेरे को उतना ज़्यादा चार्जिंग मतलब चार्जिंग से लेकर इशू मेरे को फेस करने को पड़ा था, और इतना ज़्यादा चार्जिंग वगैरह अच्छा नहीं देता। तो न्यू तो परचेस करने को नहीं बोलूंगा, यहाँ पे IQ न्यू 6 इससे कम प्राइस में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 26-27,000 में। इससे अच्छा काफ़ी अच्छा कैमरा वगैरह और बैटरी वगैरह में और चार्जिंग वगैरह सब कुछ इससे अच्छा प्रोवाइड करता है, तो उस फोन को आप लोग तरफ उस फोन की तरफ जा सकते हो, उसका रिव्यू आप लोगों एंड स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। और गाइस ये फोन को आप लोग अगर 20,000 से नीचे देखने को मिलता है सेकंड हैंड 18,000, तो गाइस आप लोग बाय कर सकते हो, उसके ऊपर बिल्कुल मत जाना। तो गाइस चलो वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना, चैनल में सब्सक्राइब करना। टाटा बाय।